प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ग्वालियर प्रवास पर आए और आने के साथ ही क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनने और उसके निराकरण के लिए निकल पड़े। जहां भी मंत्री को अव्यवस्थाएं नजर आई, वहीं मौके पर ही अधिकारियों को फोन लगाकर न सिर्फ कसा बल्कि समस्याओं के निदान के लिए निर्देश दिए। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शनिवार को शताब्दी एक्सप्रेस से ग्वालियर आए। रात्रि विश्राम के बाद मंत्री तोमर ने सुबह से ही अपने क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों की समस्याओं को जाना और उनके निदान के लिए संबंधित अधिकारियों को जमकर कसा। भ्रमण के दौरान मंत्री तोमर ने नौगजा रोड, गेंडे वाली सड़क, शिंदे की छावनी, लक्ष्मण तलैया आदि क्षेत्रों का दौरा किया और वहाँ के लोगों के साथ बैठ कर उनकी समस्याओं को सुना। इतना ही नहीं, मंत्री तोमर ने निरीक्षण के दौरान जहां भी खामियां नजर आई वहां की समस्याओं पर संबंधित अधिकारियों की क्लास ली और सख्त निर्देश दिए कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान करें। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं से मंत्री तोमर को अवगत कराया। पात्र आदमी है, हकदार है, उसका गरीबी रेखा नहीं बनाएगा, उसके पांडव डलिए सब कुछ मिली, उससे राशन नहीं मिलेगा ना कुछ नहीं मिलेगा, उसको गरीबी रेखा कार्ड ही नहीं बनेगा। नहीं, मेरा कहना है आज पहले तो है ना, देखिए ये जनता से मैं मिला हूँ, अब जनता की जो समस्याएं हैं, अभी घेड़े वाली सड़क गया, नौगजा रोड पे हूँ, यहाँ पानी भरता है, जो मैंने ये मेरा जीवन का जो यहीं इनके बीच में खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, पला हूँ, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं वो अधिकारियों को बता रहा हूँ कि जिससे बरसात के समय में ये परेशानी ना खड़ी हो, कहाँ पानी की प्रॉब्लम है, कहाँ गरीबों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने आया हूँ। मेरा जो है एक रूटीन के कार्यक्रम में मैं आया हूँ और संबंधित अधिकारियों को उसके मैंने निर्देश दिए हैं कि उन समस्याओं का समाधान करें। गुणवत्ता खराब है तो उसके लिए मैंने निर्देश दे दिए, अब वो काम सब होने वाला नहीं है कि आज काम कल रोड में गड्ढा, अब तो नहीं चलेगा वो।